नमस्कार दोस्तों, फसलों में खाद उर्वरक किस प्रकार डालें व किन किन बातों का ध्यान रखें, इस बिंदु को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे। लेकिन ऊपरी तौर पर बात की जाए तो फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की मात्रा को इस प्रकार देवें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा फसल की बुआई के समय डालें। वह शेष बची नाइट्रोजन को पुष्पन से पहले दो भागों में करके डालें। दोस्तों, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि पौधे को फास्फोरस की प्रारंभिक काल में ज़्यादा आवश्यकता होती है, पोटाश की पूरे जीवन काल आवश्यकता होती है, वह नाइट्रोजन की प्रारंभिक काल में कम व फूल आने पर ज़्यादा आवश्यकता होती हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन की कमी फसल की शुरुआती अवस्था में ही दूर की जा सकती है। यानी शुरुआती अवस्था में निचली पत्तियों का पीलापन दिख रहा है और हमने उस समय नाइट्रोजन नहीं दी तो बाद में पीलापन दूर नहीं होगा। यही कारण दोस्तों कि हम नाइट्रोजन को पुष्पन से पहले थोड़ा थोड़ा करके तीन भागों में दे रहे हैं। जिन फसलों में फसल की उपज बीज या फल से न मिलकर उसके वानस्पतिक भाग से मिल रही है, जैसे कपास, गन्ना, अफीम आदि में पकते समय नाइट्रोजन न देवे, अन्यथा फसल तो लहलहाती दिखेगी परंतु उपज में भारी नुकसान होगा। जैसे गन्ने में पकते समय हमने नाइट्रोजन दी तो उसके जूस में मीठापन कम होगा। इन किसान भाइयों के खेत की मिट्टी ज़्यादा खाद उर्वरक डालने से अम्लीय, क्षारीय, ऊसर या ज़्यादा खराब हो गई हैं, वो खाद उर्वरक को जमीन में न देकर जल में घुलनशील एनपीके व अन्य उर्वरकों को खड़ी फसल पर स्प्रे करें तो लाभप्रद होगा। दोस्तों, सोलेनेसी कुल की फसलें जैसे कपास, मिर्च, आलू, टमाटर व शक्कर वाली फसलें जैसे गन्ना, चुकंदर आदि में पोटेशियम क्लोराइड यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटाश में क्लोरीन पाई जाती है जो इन फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है। वो तो इन फसलों में म्यूरेट ऑफ पोटाश की जगह पोटेशियम सल्फेट खाद का प्रयोग करें। दोस्तों, दाल व तेल वाली फसलें जैसे उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन आदि में SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक या जिप्सम उर्वरक अवश्य डालें, इससे इनकी अच्छी उपज प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उर्वरक में पाए जाने वाले कैल्शियम व सल्फर दलहन व तिलहन में प्रोटीन व तेल की मात्रा बढ़ाते हैं जिससे इनका वजन बढ़ता है। दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बेसिक प्रिंसिपल यानी कार्यों की बात की जाए तो नाइट्रोजन लीफ मेकर यानी नई पत्तियों का विकास करता है, फास्फोरस रूट मेकर यानी जड़ों का विकास करता है व पोटाश फ्लावर इंड्यूसर व फ्रूट मेकर यानी फल फूलों को लाता है। नीचे बने लाल रंग के बटन को दबाकर भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँच सके।